नमस्कार, आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। मैं हिमांशु। रुक करते हैं आज की ताजा खबर की। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर शिप्पी जोशी विधानसभा चुनाव जीत के बाद पहली बार देर रात अपने विधानसभा क्षेत्र नादवाड़ा पहुंचे। इस मौके पर स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। नादवाड़ा प्रवेश करने पर समर्थकों ने श्री को फूल मालाओं से लाद दिए। इसके बाद डॉक्टर जोशी के लिए कार्यकर्ताओं की ओर से अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें जिला और नगर कांग्रेस के अलावा सहयोगी संगठनों के लोग और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सभी ने गर्व जोशी से उनका स्वागत किया और जोशी के पुत्र के विवाह पर शुभकामनाएं दिया। जोशी के पुत्र के विवाह पंत्रात अभिनंदन समारोह का आयोजन दामोदर लाल स्टेडियम में किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कई मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता शिरकत करेंगे। मैं ज्यादा प्रभावशाली ढंग से अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकूंगा, ये मैं आपको इसके साथ कहना चाहूँ, क्योंकि जिस पद पर मैं बैठा हूँ उस पद पर सरकार के कार्यों का मूल्यांकन करता प्रतिपक्ष, तो मुझे ये जानकारी है कि सरकार के कार्यक्रम क्या है, उसमें क्या कमी है जिसका प्रतिपक्ष ध्यान आकर्षित करता है, और मुझे निर्णय करना है कि उसके बाद सही किया और गलत किया। तो आप आशा करो कि मेरी दोनों भूमिका का मुझे मूल्यांकन करना है तो नादवाड़ा के विकास में कोई कमी नहीं रहेगी, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ। इसीलिए मैं आज आपके बीच में आया कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने आमंत्रित किया और मुझे कहते हुए खुशी है कि कल मुख्यमंत्री जी ने नादवाड़ा आना अपने आप में स्वीकृति दी और कल वो नादवाड़ा आएंगे, तो मैं विधायक के रूप में मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनका स्वागत करूं। इसलिए मैं सर्दी में आपको तकलीफ देने के लिए आपके बीच में आया कि तो मैं आऊं, आपको धन्यवाद दूं, तब मैं मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर सकूं। मैं मुख्यमंत्री के साथ आता, आप कहते एमएलए बन के गया, धन्यवाद भी नहीं दिया और मुख्यमंत्री के साथ आ गया, तो मैंने समझा कि मेरा पहला काम यह है कि मैं अपने विधायक के रूप में जिन्होंने मुझे एमएलए बनाया पहले उनको धन्यवाद दूं और कल विधायक के रूप में मुख्यमंत्री जी का स्वागत करूं, इसलिए मैंने आप